2024 को लेकर सियासी शतरंज में प्यादों से लेकर राजा तक हर योद्धा ने अपनी अपनी जगह तलाश कर अपने अपने किरदार को निभाने की तैयारी कर ली है। अभी तक तो विपक्ष ही एकजुट होकर सत्ताधारी बीजेपी को हराने की कवायदों में लगा हुआ था, मगर अब खेल में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कभी एक वक्त पर सपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान और कभी सपा के साथ कदमताल करने वाले सुभाषपा अध्यक्ष OP राजभर ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो मऊ की घोसी विधानसभा सीट से विधायक थे और साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर, जो कुछ दिनों पहले तक मजबूत विपक्ष बनाने की बात कर रहे थे और इस बात की ताल ठोक रहे थे कि विपक्ष को उन्हें और मायावती को साथ लेकर चलना चाहिए, मायावती को PM पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो भी अब बीजेपी के साथ अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुट गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्री ओपी राजभर जी दिल्ली में भेंट हुई, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में आने का निर्णय लिया है, मैं उनका NDA परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में NDA को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में NDA द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। जिसके बाद ओपी राजभर ने बयान देते हुए कह डाला कि सुभाषपा का समर्थन बीजेपी को हर प्रदेश में मिलेगा। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव की साइकिल को पंक्चर करने की फुल तैयारी हो चुकी है। मगर अब कहानी वही है कि 23 जून को ही विपक्ष की बैठक के बाद एक तरफ जहां महाराष्ट्र में NCP में टूट हुई, जहां कई सवाल खड़े कर दिए गए थे, तो वहीं उसके बाद ओपी राजभर ने खुद कहा था कि सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद सपा नेताओं ने कहा था कि उनकी बातों का सपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठा पटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन क्या दारा सिंह चौहान के सपा छोड़कर जाने से वाकई सपा में कोई असर पड़ने वाला नहीं है? ओपी राजभर साइकिल पर सवार थे तो 2022 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, मगर अब जब वो बीजेपी के साथ हैं तो क्या बीजेपी यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।